हेलो एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं बेसिक रन के डांस स्टेप्स। तो उस पे बेसिकली डांस स्टेप्स नहीं है पर कोरियोग्राफी मेरी है, तो इसमें मैंने एक छोटा सा डांस बनाया है। मैं इसे बच्चे से कहेगा आराम कर सही हो जाए, तो इसको हम आज पूरा सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, वो भी इजी और हर किसी के हिसाब से मैंने कोरियोग्राफी बनाया है। तो बेसिक लेवल का कोरियोग्राफी है, तो आपको अगर आप सीख सकते हो, उसके रील्स बना सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। बहुत ज्यादा सॉन्ग ट्रेंडिंग में चल रहा था, मैं इस पे कोई ना कोई वीडियो बना देते हैं जिससे आप लोगों को ख्याल हो। तो है जल्दी से सबसे पहले आप लोग डांस वीडियो देख लोगे कैसा लग रहा है, इसके बाद पूरी कोरियोग्राफी को स्टार्ट करते हैं। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क और दूसरी बात मैं आपको काउंट्स की बता देता हूं। यहां पे बीट सीधे 1 2 3 4 5 बिल्कुल बेसिक बीट्स बनाई है, मतलब काउंट्स रखें जिसमें कि किसी को टफ ना हो सॉन्ग समझ ले। तो आपको सीधे क्या करना है, डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बीट पे जल्दी-जल्दी करते रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप मेरा ये हो जाएगा कि हमको इस तरह से खड़े रहना है, देन इसके बाद हमको राइट लेग आगे करना है, किस तरह जंप कर रही ठीक है, ऐसे जंप करके आगे करना है, राइट लेग लेफ्ट वाले को उठाकर राइट के साथ ले आना है ठीक है। ये हो गया 1 और 2 और इसके साथ हैंड को स्लाइड करना है ठीक। तो हो जाएगा 1 2 ठीक है। थोड़ा फास्ट बिजली से गा लो अगर आपको थोड़ा इजी स्टेप है, नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर करके सीख लेना ठीक है। तो हो जाएगा हमारा सबसे पहले 1 जंप किया, राइट लेग आगे करके लेफ्ट को उसके पास में लाया और हाथ में साथ में अपने हाथ हैंड को स्लाइड करना है ठीक है। तो हो जाएगा 1 2 क्लियर क्लियर। इस 2 के बाद क्या करना है, हमको इस हैंड को ऐसे थ्रो करना है ठीक है, लेफ्ट साइड और लेफ्ट लेग को ओपन करना है ठीक है। तो क्या करा ठीक है, समझ में आया। हमको इस तरह से हैंड को करना है और लेफ्ट लेग को ओपन करना है, ओपन किया देन इसके बाद हमको लेग देखना है, राइट लेग को लेफ्ट के आगे लेके लेफ्ट के पीछे एक बार 1 देन 2 क्लियर। यहां तक समझना, फिर से ये थ्रो किया देन आगे देन पीछे ठीक है, पीछा है। अब पीछे के बाद हमको इसको क्या करना है, हैंड मूवमेंट समझ लो इसका ठीक है। ये थ्रो, अब हैंड मूवमेंट क्या करना है, 1 2 ठीक है। तो क्या 1 2 क्लियर। तो 1 2 समझा, फिर से लेंगे पूरा शुरू से लेते हैं एक बार 1 2 देन लेग ओपन 3 देन बॉडी थोड़ा सा बेंड होगी लेफ्ट साइड ठीक है 3 में देन 4 एंड 5 क्लियर। 5 स्टेप्स लिए और 5 के बाद हमको क्या करना है, जैसे हमारे लेग्स है ना उसको उल्टा करके जंप कर, सॉरी उनको ना क्रॉस कर देना, जंप नहीं करना है हमें ठीक है, इसको ना डायरेक्ट ऐसा करना है ठीक है। ये किया देन लेफ्ट लेग को, सॉरी जो राइट लेग हमारे लेफ्ट के पीछे है ना उसको आगे की तरफ लाना है, ज्यादा राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन होता है इसलिए जो पीछे वाला पैर है ना उसको आगे लाना है, इस तरह से खड़े हो जाना है ठीक है, और हैंड को इस तरह से ओपन कर लिया है। तो ये हमारा क्लियर हुआ लास्ट स्टेप, देन क्रॉस देन उसके बाद हमको राउंड हो जाना है ठीक है, ये ट्विस्ट किया देन इसके बाद हमको करना है राइट लेग को आगे चलना है, टडा कैसे झटका देगा ठीक है, देन 1 लेफ्ट वाले को लाने 2 और देन हमको वहीं नहीं चलना, फिर राइट लेग राइट लेग वहीं पे हो जहां पे खड़े ना वहीं पे, अब आगे पीछे नहीं, सिर्फ 2 स्टेप आगे चलना है, आगे आगे और वहीं वहीं क्लियर। अब इसका हैंड मूवमेंट समझ लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे ओपन ओपन देन इसके बाद 3 4 हैंड मूवमेंट्स क्या होते हैं, ऊपर से इस तरह से कोई चीज लेना 3 4 क्लियर। सबसे पहले हमने जब यहां से राउंड किया था तो हैंड हमारे नीचे आ गए ठीक है, नीचे आ गए देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 ऑलराइट क्लियर। देन इसके बाद हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, ये ओपन करना है, राइट ओपन लेफ्ट ओपन राइट ओपन फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, कितने बार हुआ ये 6 टाइम्स क्लियर। तो यहां पे क्लियर लास्ट वाले प्लेस पर देन
सिक्स टाइम्स हमको लेग इस तरह से करने हैं और हैंड को ओपन करके धीरे-धीरे हमको ऊपर की तरफ ले जाना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हमारा लास्ट हैंड टू है यहां पे, ट्रांसफर नीचे से ऐसे क्रॉस करना है, ठीक है। कैसे, ये है नीचे से इस तरह से स्लाइड करके ये, ठीक है, ओपन करना है इसको। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 सिक्स के बाद वापस अपनी पोजीशन पे आना, ठीक है। सिक्स देन इसके बाद हमको इस तरह से ओपन करना है और देन इसके बाद हमको हैंड्स को फोल्ड करके इस तरह से घूम जाना है, ठीक है। तो हमारा लास्ट स्टेप यहां पे खत्म हुआ। देन ये पोजीशन आई वापस से अपनी, ये किया देन ये पोजीशन, ठीक है, इस तरह से 1 देन 2 ऐसे सामने करना और देन इसके बाद घूम जाना, ठीक है। इस साइड घूमना है, लेफ्ट साइड से घूमना है, ठीक है। बॉडी लेफ्ट साइड आ रही है, ये पोजीशन और देन हैंड को फोल्ड करके घूम जाओ, टाटा घूम गए। ये अपना स्टेप हो गया, फिर से ले लेंगे भाई यहां से, ठीक है। इसके बाद से 1 2 3 4 5 6 एंड राउंड, क्लियर। ये राउंड हो गया हमारा, देन राउंड के बाद पैर हैंड्स को नीचे कर लेना और हमारे जो लेग्स इस तरह से जाएंगे, ठीक है। अब हमारी लेग सामने की तरफ है, ठीक है, आप सामने की तरफ आना है। ये सर्कल किया सामने आए, देन इसके बाद डिंपिंग करनी है। डिंपिंग क्या होती है, मुझे बताना अलग से बात हूं, बाकी मैं देख लूं। ये राइट लेग को ऊपर की तरफ उठा के हल्का सा जंप कर लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 तो एक बार सामने की तरफ, एक बार साइड की तरफ, साइड में मारना है, राइट साइड। तो 1 2 तो ये दो बार करना है, 1 2 टू के बाद हमको क्या करना है, लेफ्ट लेग को ओपन करना है, ठीक है। बॉडी को इस तरह से बेंड करना है, बेंड, ठीक है, लेफ्ट ओपन। तो लेफ्ट और इसके साथ हैंड को ये हमारे इस वाले लेग की जो कमर है ना, तो इस साइड से इस तरह से हैंड को ये इस तरह से स्लाइड करवाना है, 1 और देन उल्टा 2। तो एक बार क्या किया, लेफ्ट लेग, एक बार राइट लेग, क्लियर। बॉडी को इस तरह से मतलब वेव लेना है ये, ठीक है। स्टेप अच्छा लगेगा, फिर से लेंगे, 1 2 सॉरी, पहले सामने फिर साइड में, देन राइट साइड हैंड, देन लेफ्ट साइड हैंड विद ऑपोजिट लेग्स, ठीक है। मतलब लेग ये वाला जाएगा और हैंड ऐसे जाएगा, तो ये 1 2 क्लियर। 2 के बाद हमको क्या करना है, अब हमारा जो राइट लेग है जो इस साइड है, ठीक है, उसको आगे की तरफ टो पे लेना है इस तरह से, देखो हील उठा के, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये टो पे लिया और लेफ्ट हैंड को इस तरह से टैप करना है, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे एंड होगा तो क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिया, अब जस्ट इसको ऑपोजिट करना है, तो अब ये वाले हैंड के बाद ये वाला हैंड आ जाएगा, ठीक है। तो एंड पॉइंट पहले समझ लो, यहाँ पे एंड हुआ, पहले लेफ्ट फिर राइट, 1 2 अब लेग यही वाला काम करेगा, ठीक है, 1 2 अब हैंड लेग क्या है, 1 2 1 2 और हैंड कैसे चलेगा, 1 2 दोनों को साथ में करेंगे, 1 2 3 4 ठीक है। और स्टेप लिया होगा, फिर यहीं से बॉडी को इस तरह से राउंड करके ऐसे खड़े हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हैंड हुआ, देन यहाँ को हैंड को अपने यहाँ पर कमर पर ले सकते हो, ठीक है। देन कमर पर लेने के बाद यहाँ से हमको राउंड करना है, क्लियर। और ये वाला लेफ्ट ऐसे रहे, ये करके राउंड लिया, देन इसके राउंड के बाद हमको अपने हैंड को इस तरह से लेना है, 1 2 1 2 ठीक है। बहुत सिंपल स्टेप, 1 2 1 2 करके सिखा रहा हूँ, 1 और 2 पहले सामने लाना इस तरह से, देन ओपन करना और लेग मूवमेंट्स करेंगे, 1 2 ऐसे टैप करना है राइट लेग को, तो जाएगा 1 2 ठीक है। तो ये सर्कल बनाया, देन सर्कल के बाद 1 2 2 के बाद हमको हैंड इस हैंड को यही ऐसे रहने देना और इसको ऐसे फिंगर लेके हमको इस तरह से राउंड करना है और लेग मूवमेंट क्या है, सबसे पहले ये समझो, 1 2 अब लेग मूवमेंट समझो, टैप करते हुए 4 स्टेप आगे 90 डिग्री पे घूमना है आगे साइड, 1 2 3 4 क्लियर। इसके 4 स्टेप्स के साथ हमको हैंड मूवमेंट्स करना है, 1 2 3 4 और बॉडी हमारी राइट साइड आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से लेंगे ये राउंड के बाद, राउंड किया देन 1 2 3 4 5 6 6 के बाद हमको क्या करना है, ये जो हमारा आगे लेग है उसको हमको वापस पीछे ले जाना है राइट लेग को, ठीक है। तो पीछे ले गए वेव के साथ, फिर उल्टा वेव के साथ लेफ्ट, पहले क्या आ जाएगा राइट लेग, देन लेफ्ट लेग को उठा के फिर से वेव मारना है, ठीक है।
समझ में आ रहा है, ये हुआ then wave, और इसके साथ हमको अपना थोड़ा सा ड्रिंक वाला स्टेप जैसे उसको करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड से ये ऊपर की तरफ ड्रिंक का सिंबल दिखाया अपन ने, ठीक है, देन इसके बाद ये क्लियर। तो फिर से लेंगे 1 2, देन 2 के बाद हमको क्या करना है, लेग्स हमारे हल्के से थोड़े से डाउन जाएंगे अंदर की तरफ, देन हमको ओपन, ठीक है, जैसे ये करोगे ना, ठीक है, इसको करने का लेग्स को अंदर की तरफ बेंड करना है, देन लेफ्ट में ओपन करना है, देन राइट में ओपन करना है, क्लियर। फिर से लेंगे 1 2 डाउन, डाउन के बाद हमको क्या करना है, इनको बाहर की तरफ खोलना है। तो हमारी जो हील है ना, सॉरी जो टो है, टो को पहले अंदर की तरफ लेना, फिर बाहर, वो भी लेफ्ट साइड बॉडी बेंड करके 1 2 क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ये किया डाउन देन 1 देन 2। अब इसके साथ हैंड्स करेंगे, पहले लेफ्ट साइड बेंड हुए तो लेफ्ट वाले हैंड को वेव में करेंगे ऐसे, ठीक है, ये किया, देन राइट हैंड को ये किया, क्लियर। तो हो गया टाटा टाटा डाउन डाउन डाउन, क्लियर। तो ये हो जाएगा 1 2 2 के बाद क्या करना है हमको, जो राइट लेग है उसको बाहर की तरफ ऐसे सेट करके वापस अपनी पोजीशन में लाना है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। देन 1 2 3 4 समझ में आया, पहले राइट साइड ऐसे सेट करके वापस आना है, हल्का तो बैठ ही रहना, फिर लेफ्ट साइड सेट करके इस पोजीशन में आना है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहां से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 7 है और 8 है, ठीक है, सॉरी जो लास्ट का डिस्टर्ब होगा, तो ये हो गया 5 6 7 8। तो क्या करना है, पहले क्रॉस ओपन क्रॉस ओपन, क्या होगा, क्रॉस ओपन क्लियर। फिर से लेंगे, यहां पर हमारा दिया हो 1 2 3 4 5 6 6 क्लियर होगा। 6 के बाद हमको क्या करना है, इस स्टेप को 1 2 3 4 5 6 टाइम्स इसको ऊपर की तरफ डिप करना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, राइट लेग को अप करके हल्का सा जल देते ना जो बेसिक डिपिंग स्टेप्स को। तो क्या हो जाएगा, बस 1 देन 1 में हमको हैंड को ऐसे करना है, फिर फेंक देना है, पहले राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे 1 2 फेंक देना, ठीक है, उतार फेंका लेने के साथ ही है, ठीक है, तो वहां पर हमको वही करना है 1 2 एक बार राइट हैंड से दिया, लेग वैसे ही चलेगा, फिर हमारा लेफ्ट हैंड जाएगा 3 4, फिर राइट हैंड से जाएंगे 5 6, सिर्फ 6 काउंट्स पे करना है इसको हमको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 के बाद हमको क्या करना है, जो राइट लेग है उसको ओपन करना है, ठीक है, बाहर की तरफ राइट साइड पे ओपन किया, ओपन के साथ हैंड को राइट हैंड को लेना है टड़ा इस तरह से, ठीक है, नेक की साइड लेना, तो जाएगा 1, अब जस्ट राइट है अंदर, लेफ्ट साइड लेफ्ट के आगे जाएगा 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2, और हैंड मूवमेंट्स करेंगे 1 2 1 2, क्या हो जाएगा 1 2 2 1, देन इसके बाद हमको इस तरह से टोपे लेना है, ठीक है, यहाँ पर भी टाके बूम, यहाँ पर थोड़े स्लो फील करना है, ठीक है, विसर्जन विसर्जन वहाँ पर भी थोड़ा स्लो जाता है और फिर नंगा पे, ठीक है, तो विसर्जन वर्ड में हमको ये चेस्ट से हल्की सी वेव लेना है, ठीक है, बताता हूँ कैसे, सबसे पहले 1 2 देन 3 इस तरह से वेव लेना है, इसको जैसे टैप करो तो हल्की सी वेव लेना है, ठीक है, और वेव के साथ हैंड को हमको ये ऐसे करते हुए बेसर में हम फेस तक लाना, फेस के नीचे नहीं जाना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 वेव के साथ इधर 3 बेसर, और जैसे रन वर्ड आता है तो रन में हमको अपने फुट को 4 बार टैप करना है 1 2 3 4, ठीक है, जो हील हमारी अप है उसको टैप करना है 4 टाइम्स, ठीक है। तो गाइस एक बार सारे स्टेप एक साथ कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 and 2 and 3 and 4 5 6 and 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 and 2 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 1
टू थ्री फोर फाइव. ठीक है तो गाइस यहां पे हमारे सारे स्टेप्स क्लियर हो गए. आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा. हेल्प फॉर द वीडियो को सीखा अगर वीडियो को लाइक करो कमेंट करो कोई भी डाउट हो ऐसे ही देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो. तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.